प्यासी ज्वेलर्स एवं शोरूम, सभी प्रकार के सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। पता, टंडन बिल्डिंग, सराफा बाजार, दमोह। एक बार अवश्य पधारें। शुभारंभ शुभारंभ भव्य शुभारंभ, नया प्रतिष्ठान आपके शहर दमोह में। संपूर्ण वैवाहिक परिधान एक ही छत के नीचे, जहां आप पाएंगे दूल्हे राजा के लिए शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ता पजामा, सफारी सूट, पगड़ी, माला, शेरवानी दुपट्टा। हमारा पता है स्टेशन रोड, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास में, घंटा घर, दमोह। प्रदेश सरकार के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया, सांसद एवं केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल के आवास पर आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने प्रहलाद पटेल सहित सभी को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह होली का त्यौहार भाजपा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खुशियां लेकर आया है। भाजपा के साथ प्रदेश के इतिहास में यह दिन याद रखा जाएगा। शिवराज सरकार के दौरान वित्त मंत्री रहे और दमोह विधानसभा के 35 साल से विधायक रहे जयंत मलैया ने प्रदेश की राजनीति में आए भूचाल के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो सवा साल में बदले की राजनीति की है वह सही नहीं है। भाजपा ने भी 15 साल शासन किया, लेकिन कभी इस तरह की राजनीति पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि आगे भी भाजपा अपनी पुरानी नीति पर ही कायम रहेगी, बदले की राजनीति नहीं करेगी, लेकिन इन सवा सालों में जो हुआ वह ठीक नहीं हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने की खबरों के बीच जयंत मलैया ने कहा कि भाजपा में उनका स्वागत है। इसके साथ ही जयंत मलैया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएगी और मजबूत सरकार देगी। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यहां मैं प्रहलाद जी को और अपने सारे मित्रों को शुभकामनाएं देने आया हूं। हमारा ये होली का त्यौहार जो रंग लेके खुशियां बिखेरता है, इस बार और ज़्यादा खुशियां बिखेरेगा, हमारे लोग और ज़्यादा खुश होंगे। और आज सब लोगों से यही निवेदन है कि अपना सद्भाव बना के रखें सबके साथ, और ऐसा व्यवहार रखें इसमें सबको साथ लेके चला जा सके। भाजपा के लिए आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। हाँ, भाजपा के लिए अच्छा दिन है, परंतु हम वैसा नहीं करेंगे जैसा इन लोगों ने सवा साल किया है। हम लोगों ने भी 15 साल किया है। जिस तरीके से चुन चुन के इन्होंने एक एक व्यक्ति को परेशान किया है, उस तरीके से हम लोगों ने ना किया है ना आगे करेंगे। सिंधे जी भाजपा में शामिल हो गए हैं, क्या प्रतिक्रिया? अच्छा है। अभी आदरणीय प्रहलाद जी कह रहे थे ये अच्छा है, सरकार में स्थायित्व रहेगा, ये अच्छी बात है। सरकार बनाएंगे भैया? जी हाँ, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल होली मिलन समारोह में शामिल होने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र दमोह पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को जहां होली की शुभकामनाएं दी, वहीं ज्योतिरादित्य के भाजपा में शामिल होने पर उनका स्वागत भी किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने होली मिलन समारोह में डेडिकेटेड शामिल हुए, जहां कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया, तो वहीं मध्य प्रदेश में बदले राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने पर शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आए हैं, अब सभी मिलकर प्रदेश का सर्वांगीण विकास करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रदेश में सरकार बनेगी और विकास के नए आयाम बढ़े जाएंगे। एवं मार्बल और किचन गैलरी, मार्बल, टाइल, सैनिटरी वेयर एवं नल फिटिंग के लिए सबसे कम रेट, रेड क्रॉस मार्केट, हॉस्पिटल रोड।